तो यार जैसा कि लूसीफर का टीजर आ चुका है, सॉरी सॉरी सॉरी, और अगर इसे मैं एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब करूं तो वो होगा रॉन्ग। ये चाइनीज में है, और अगर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो होगा फेंकना। यार इस टीजर के अंदर इतनी लंबी लंबी फेंकी है कि मैं क्या बोलूं। हाँ मुझे पता है, मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, मुझे पता है लोग मुझे गाली देंगे, बट अब तो आदत सी हो गई है। वेल, ये मूवी रीमेक होने वाली है मलयालम इंडस्ट्री की एक मूवी लूसीफर की। एंड गाइस, लूसीफर का बजट था 30 करोड़ और इसने कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़, ब्लॉकबस्टर। तो फिर इसका रीमेक बनाना तो बनता है। देखो मुझे रीमेक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब कोई रीमेक बॉलीवुड में बनता है तो सब उसे बॉयकॉट करते हैं, तो क्या साउथ में बने हुए रीमेक को बॉयकॉट किया जाएगा? बस ये मेरा सवाल है। You are a good question. अब देखो, एज अ सिनेमैटिक पर्सन बनके इस टीजर को मैं लूसीफर के टीजर के साथ कंपेयर करूं तो ये कुछ नहीं है। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? भाई आप लोग लूसीफर के टीजर को देखना, वो अलग ही लेवल का लग रहा था। उसके अंदर कुछ भी रिवील नहीं किया, बट मोहनलाल सर ने इतना ब्यूटीफुली उसको दिखाया था ना कि आप लोग उसके दीवाने हो जाओ। बट एज अ ऑडियंस बनके मैं गॉडफादर के टीजर को बताऊं तो वो मुझे बढ़िया लगा, और स्पेशली उसमें जो चिरंजीवी सर की एंट्री थी ना, वो बंदूक वाली, वो बहुत मस्त लगी। एंड सल्लू भाई भी बढ़िया लग रहे थे, बट वो जो जीप में सीन था ना, वो काफी बिगाड़ दिया। बट जो म्यूजिक था ना, वो आप में गूज़बम्प्स खड़े कर देगा। He's the boss of the bosses. Our one and only godfather. मजा आ गया सुन के। बट रीमेक तो रीमेक होता है, लूसीफर जितना तो पावरफुल नहीं है, बट जितना भी है बढ़िया है। गालियों की बौछार होने वाली है। हाँ मुझे ये पता है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचाने वाली है। नाम बड़ा सोच समझ के रखा है, गॉडफादर। और आप लोग इस मूवी की स्टोरी पे टेंशन मत लेना, क्योंकि लूसीफर की स्टोरी बहुत दमदार है, बट तब तक उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो यार बस ये था मेरा रिव्यू। यार अगर आपको बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, चलता है, बट जितना भी बोला मैंने दिल से बोला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। एंड आप सभी तब तक हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।